इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। तमाम हाजरा से गुजारिश है कि वहाँ पर चेयर्स फ्री खाली है, इस तरफ आ जाइए और बैठिए सामने पर। ये वहाँ के लिए पकड़े जाए जैसे कि आप जानते हैं कि 17 तारीख को लोकसभा के इलेक्शन है और इलेक्शन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। पिछले 20 साल से कोई एक सेक्युलर पार्टी की सीट यहाँ पे नहीं आई लोकसभा में, कि कोई कैंडिडेट नहीं आए। अभी हमारे पार्टी ने सतीश साहब जारकीवाड़ी को इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का कैंडिडेट बनाया है। बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, बहुत मेहनत करने वाले। मेरी सभी से दरखास्त है कि 17 तारीख को पहले अपने घर के पूरे लोग, फिर पड़ोसी, फिर मोहल्ला, सभी को देके वोट करवाए, क्योंकि ये इलेक्शन एक मैसेज जाएगा दिल्ली को। आज हमारे पास कर्नाटक स्टेट में सिर्फ एक ही एमपी है, डीके सुरेश साहब, जो कांग्रेस है, बाकी के 27 बीजेपी के हैं। ये सीट अगर हम जीतने से एक मैसेज जाएगा कि बेलगांव पार्लियामेंट्री से एक कैंडिडेट चुन के आए हैं और मोदी साहब का वक्त बदलना चालू हो गया है। हर मुसलमान का वोट सिर्फ कांग्रेस पार्टी को जाता है और जितने आप जोर से वोट करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, उतना सामने वाले को धक्का पहुंचेगा। करेंगे ना सब? हुकूमत कर रहे हैं, सबका भला कर रहे हैं, सबका ख्याल रख रहे हैं, हर गांव के हमदर्द हैं, ऐसा नहीं है। जुल्म हम पे हो रहा है, हम मतलब हम सब आए हैं, या जितने भी हैं, जितने घर में हैं, जितने बाहर घूम रहे हैं, सब आए हैं। तो जालिम को रोकेंगे नहीं तो क्या करेंगे? अब जमाना वो नहीं कि घोड़े पे बैठ के तलवार लेके निकले, अब जमाना उंगली सही बटन पे दबाना है, थोड़ी तकलीफ उठा करके घर से बूथ तक चल के जाना है, अपना नाम देखें, बूथ एजेंट बैठा रहेगा, उससे पूछिए भाई कौन से मशीन के पास जाना है, नहीं समझता कैसे दबाना तो फिर थोड़ा पूछताछ करके अंदर जाए, या तो क्योंकि गलत बटन ना दबे। और जितने भी जिम्मेदार हैं या अपने आप को जिम्मेदार समझते हैं, जो शाम में और सुबह में बैठ के यहाँ वहाँ हाँ बातें करते वक्त, मशवरा करते वक्त, एडवाइस देते वक्त कहते रहते हैं कि भाई ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, उनके लिए खास करके मेरी गुजारिश कि आप अब एक्शन में आ जाइए। एडवाइस ज़ुबानी बहुत आसान होती है कि हर एक को जा करके उंगली देख के समझाने का काम कीजिए, एक भी वोट जितने लिस्ट में है उसमें कम ना पड़े, यही हमारा काम है। इलेक्शन का मतलब वोट करना है, और जितना ज़्यादा आप अपने कैंडिडेट के लिए वोट करेंगे उतना उसके चांसेस जीतने के बढ़ते जाएंगे। बाहर निकलना है, कांग्रेस के कैंडिडेट सतीश साहब है, दो नंबर पे उनका नंबर आएगा, फर्स्ट बटन के बाद में सेकंड बटन, एक सिंबल दिखेगा, फोटो भी रहेगा क्या उस पर, हाथ देख लीजिए बस, हाथ का सिंबल है,
वो बटन जाके आवाज आने तक उसको दबाना है, बीप जब आवाज आएगा तब उसको छोड़ना है। इतना बहुत सिंपल मामला है। ये अच्छा काम ये है कि 17 तारीख के दिन रोज़ा सहरी करने के बाद, नमाज पढ़ने के बाद, थोड़ी सी तिलावत करने के बाद नहीं सोए, सीधे 6:30, 7:30 बूथ खुलता है, जाके एक आधा घंटा आपको करना पड़ेगा, सिर्फ आधा घंटा, आधे घंटे में आप वापस आ जाओगे और आराम से घर पे सोने का इंतज़ाम अपना कर लेना। इतना कहते हुए कि दो नंबर सतीश जारकोडली कांग्रेस का निशान, और हम सब लोग आपके साथ हैं, जब भी जो भी आप लोगों को हमसे हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम आप सब लोग आपके साथ रहेंगे। पिछले 3 दिन से मैं दौरा कर रहा था शेर साहब के साथ, जिस तरह लोग उनको चाहते हैं, जिस तरह उन्होंने जो काम किया है, आज हर आदमी उनको उनके काम को याद करता है। मैं यहाँ कहना चाहूँगा आने वाले इलेक्शंस में शेख साहब ज़्यादा से ज़्यादा वोट से जीत के आएंगे, ये मैं कहना चाहूँगा। अगर उनको जीतना है तो यहाँ हम इस बार हमें पार्लियामेंट इलेक्शंस में आप लोगों को जिताना है। आर पार की लड़ाई है कांग्रेस और बीजेपी में, सेक्युलरिज्म और कम्युनिज्म की लड़ाई है। आज फिरका पछताते बीजेपी समाज को तोड़ना चाहती है। पिछले 7 साल से जो नरेंद्र मोदी की हुकूमत सारे मुल्क में तनाव पैदा कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि मैं सबका साथ दूंगा, सबका विकास करूंगा, लेकिन उन्होंने खासतौर माइनॉरिटीज का विनाश किया है। आज शेर साहब ने कहा जो वाकया यूपी में हुआ, गुजरात में हुआ, और कहने लगे इस तरह की बात खासतौर मुसलमान भूलते नहीं है। जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने कहा कि 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी दूंगा, ब्लैक मनी लेके आऊंगा और हर एक के अकाउंट में 15 लाख देंगे। 7 साल बीत गए, कोई वादा पूरा नहीं किया। अगर झूठ बोले कोई ऑस्कर अवार्ड दे सकते हैं तो वो नरेंद्र मोदी को दे सकते हैं। उनकी एक बात सच है, सिर्फ एक ही बात सच है, क्या है? मैं नरेंद्र मोदी बोल रहा हूँ, बाकी सब झूठ। तो झूठे वादे देके आज पेट्रोल डीजल गैस के जो दाम बढ़ चुके हैं लोग परेशान हुए हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो काम बिल्कुल जो है खासतौर माइनॉरिटीज के खिलाफ काम कर रहे हैं, और कम्युनल फोर्सेस को ताकत मिल रही है, बढ़ावा मिल रहा है। अगर कोई रोक सकती है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी रोक सकती है,